सुल्तान मल्टीमीडिया 786 चैनल नाल जुड़िया सारिया संगतां नूं जय पीरां दी। अज दी वीडियो विच असी तुहानूं घर विच बची हुई बेही रोटी दे कुछ उपा दसांगे, इहदे फायदे दसांगे जिहनूं सुन के तुहानूं बहुत ज़्यादा हैरानी होवेगी, जिन्हां गल्लां बारे सानूं पता ही नहीं कि बेही रोटी दे की सानू फायदे हो सकते आ, सुन के तुसी हैरान हो जाऊंगे। सो हाथ जोड़ के बेनती है इस वीडियो नू पूरा जरूर देखियो ते इस चैनल नू भी जरूर सबसक्राइब करियो। पीरां दी प्यारी साध संगत जी, हर घर दे विच जदो रोटी बनती आ, कई लोग रोटी वादू बनाउंदे आ कि चलो जे कोई मंगण वाला आ गया उनू दे दवांगे, जे कोई दरवेश आ गया उनू पा दवांगे। कई बारी साडे कोल रोटी वादू बन जांदी आ, वो साडे किसे काम नहीं आउंदी पर आपां उनू सांभ के रख लैंदे आ, जिहनू आपां बेही रोटी कहिंदे आ। पहले समयां दे विच बजुर्ग की करिया करदे सी, वो रात दी बची हुई बेही रोटी नू सवेरे देसी घे ला के जां मक्खन ला के गर्म करके खा लैंदे सी, जां सवेर दी बची हुई रोटी नू शाम नू खा लैंदे सी, जां उह किसे मंगण वाले नू दिंदे जां फिर किसे दरवेश नू पा दिंदे सी, जिहदा उहनां नू बेअंत फायदा हुंदा सी। सब तों पहलां आपां सेहत बारे गल करदे आं कि बेही रोटी खाण दे नाल साडे शरीर नू की हुंदा है। जिहड़े इंसान बेही रोटी नू गर्म करके घे ला के खांदे आ, उह बीपी तों शुगर वर्गे नामुराद बीमारी तो बच जाते। जेड़े लोग देसी घे ला के जां मक्खन ला के बेही रोटी नू गर्म करके खांदे आ, उहनां नू कब्ज़ भी नहीं हुंदी, इदां दे भयानक रोगां तों इंसान बच जाता जेड़ा बेही रोटी का सेवन करता। कहिंदे हन कि जेड़ी बेही रोटी आ जदों उह थोड़ा समा पई रहिंदी आ ते उहदे ते कुछ अच्छे बैक्टीरिया आ जाते आ जिहड़े साडे शरीर लई बहुत ज़्यादा लाहेवंद हुंदे आ। इस करके बेही रोटी खाण दे साडे शरीर नू भी बहुत फायदे हुंदे आ, इह जरूर खाया करो। पहले बजुर्ग भी खांदे सी, असी भी किते किते खा लैंदे आ। कई लोग तां इह किसे नू पा दिंदे आ जां आप खा लैंदे आ, पर कई घरां दे विच की हुंदा आ कि उह अन्न दा निरादर करन लग पैंदे आ, जिहड़ी रोटी बच गई उहनूं कूड़े विच सुट दिंदे आ, जिहदे नाल अन्न देवता दा निरादर हो जांदा। जिन्हां घरां दे विच बेही रोटी नूं कूड़े विच सुट्टिया जांदा जां रूड़ियां ते सुट्टिया जांदा, उहनां घरां दे विच गुरबत छेती ही आ जांदी आ, उहनां घरां दे विचों बरकतां चक लईआं जांदियां, किसे तरहां दी कोई बरकत नहीं रहिंदी, अनाज दी कमी होण लग पैंदी आ। क्योंकि तुहाडा रिजक उदों ही वधेगा, उदों ही रिजक विच बरकत आवेगी जदों तुसी अपने रिजक दा सत्कार करोंगे, अन्न पाणी दा सत्कार करोंगे। जिन्ना वध तों वध तुसी सत्कार करोंगे उन्ना ही तुहाडे घर दे विच खुशहाली आवेगी, उन्नियां ही घर दे विच वध तों वध बरकत आउणगियां। इस करके सब तों पहला उपा तां इही आ कि तुसी बेही रोटी नू मक्खन ला के खाओ, घे ला के खाओ, तुहाडे शरीर नू बहुत फायदे होणगे। दूजा, असी अन्न दी निरादरी तों बच जावांगे, असीं अन्न दी बेकदरी नहीं करांगे, जिहदे सदके च साडे घर दे विच रिजक वधेगा, खुशहाली आवेगी, अमीरी आवेगी, तुहानूं दाणे पाणी दी रुपए पैसे दी कदे कोई कमी नहीं आवेगी। इस करके खान पान दा सत्कार करिया करो, इंसान इहदे लई ही कमाउंदा आ। लोक बाहर परदेसां विच जांदे आ 20-20 घंटे काम करदे आ, किहदे लई? रोटी वास्ते। इस करके दा जिन्ना सत्कार कर सको उन्ना ही थोड़ा। जेकर तुहाडे घर दे विच बेही रोटी बचदी आ तां उहनूं, जेकर रात दी बचदी आ तां उहनूं सिट्टण दी बजाए किसे दरवेश नूं पा दिओ, उह तुहानूं सीसां ही देवेगा। इस बेही रोटी दे पाउण दे सदके च भी तुहाडे घर दे विचों गुरबत, बेबरकती, कलेश दूर हो जाणगे, अल्लाह ताला दीआं सत्ते रहमतां बरसणगीआं तुहाडे घर। इस करके बेही रोटी नूं अजाया ना गवायो,
इनू जां तां किसी मंगण वाले नू दे सकदे आ, आप खा सकदे आ, जां फिर किसी दरवेश नू पा दिओ, जां फिर अपनी छत ते छोटे छोटे टुकड़े करके नाल पानी दा भांडा भर के जानवरां नू पा दिओ, इहदा तुहानू 10 गुणा वध सवाब मिलेगा। इस करके अन्न की बेकदरी ना करो, जां तां आप खा लिओ, जां फिर जनौरां नू, दरवेश नू, जां फिर किसी मंगण वाले नू दे दिओ। घर दियां औरतां इस गल वल खास ध्यान रखन, क्योंकि रोटी बनाउणी पाउणी ओह सब कुछ औरतां दे हथ बस हुंदा आ। जेकर एक औरत चाहे तो उह घर नू स्वर्ग बना दिंदी आ। एक औरत दे सदके च ही घर दे विच बरकतां आउंदियां, तरक्की आउंदी आ। ते एक औरत जेकर चाहे तां उह घर दे विचों रिजक नू गवा भी सकदी आ, घर नू तबाह भी कर सकदी आ, रिजक घरों जा भी सकदा। इह इक औरत दे हथ बस हुंदा। उही औरत जेकर जानबुझ के वाधू रोटी बनावे, जदों सारा परिवार खा लवे, बाकी बची हुई रोटी जनौरां नू दरवेश नू पावे, जां किसी भुखे दी ढिड दी अग नू बुझावे, तां इहदा तुहानू नुकसान नहीं, इहदा तुहानू फायदा ही होवेगा। इस करके औरतां इस गल वल खास ख्याल रखण, जदों भी घर दे विच बेही रोटी होवे उहनू बेचो ना, किसी रूड़ियां ते ना सुट्टो। दरवेश नू पा सकदे आ, आप खा सकदे आ, जां जनौरां नू पा दिओ। हुण असीं कुछ बीबियां लई अजिहे कम दसांगे जिहड़े घर दीआं औरतां नू कदे नहीं करने चाहीदे, नहीं तां घर दे विच गुरबत ते बेबरकती तां आवेगी ही आवेगी। सब तों पहली गल, कई घरां दे विच बीबियां की करदियां कि जदों सारा परिवार शाम दे वक्त जां सवेर दे वक्त रोटी खा के अटदा, तां जिन्ने भी जूठे भांडे हुंदे आ उह इक वड्डे भांडे विच पा के रख दिंदियां कि चलो सवेर नू मांज लवांगे जां बाद विच मांज लवांगे, जां जदों भांडियां दी लोड़ पवेगी उदों मांज लवांगे। इह कम बहुत ही माड़ा कम आ। जिन्हां घरां दे विच जूठे भांडे पए रहिंदे आ, जिथे असीं अपना रिजक रखते हाँ, अन्न पानी रखते हाँ, वो थां गंदी दी गंदी पई रहिंदी आ, उत्थे फिर बरकत दा वास नहीं हुंदा। अल्लाह ताला दे बरकत वाले फरिश्ते कदे नहीं आउंदे, ते साडे घर दे विच गुरबत आउण लग पैंदी आ, साडे घर दे विचों बरकत उड जांदी आ। इस करके अपनी रसोई नू ते भांडिआं नू जदों ही आपां वरतीए उसे वेले ही धो के साफ सुथरे रखो, उस जगह नू पाक साफ रखो जिथे घर दा रिजक बनदा, जिथे पूरे परिवार ले रोटी बनदी आ, उस थां नू हमेशा ही साफ सुथरा रखो, तां ही उत्थे बरकत आवेगी, तां ही घर दे विच खुशहाली आवेगी। एक गल होर, औरतां ते बंदे नौजवान जदों भी आपां किते आपां अपने पीरो मुरशद दे जां किसे गुरु घर दे विच लंगर खाण जाइए, तां जदों भी आपां लंगर खाइए, लंगर खा के अपने जूठे भांडे सानू आप साफ करने चाहीदे आ। उहदे नाल की हुंदा है कि इक तां साडी सेवा हो जांदी आ, साडा नाम परमात्मा दी सेवा विच लिखिआ जांदा, ते उहदा सानू फल जरूर मिलदा। इस करके जदों भी आपां किते लंगर खाइए तां अपने जूठे भांडे आप धोया करो, हो सके तां 5-7 बर्तन होर धो दिया करो वाधू। इस काम दे नाल भी तुहानू बहुत ज़्यादा रिजक मिलेगा, रुपया पैसा धन दौलत परमात्मा बेशुमार दवेगा तुहाडी इसे सेवा दे सदके च। जांदे जांदे एक गल दा होर खास ख्याल रखियो, आलस। घर दियां बीबियां ते बंदे आलस तों कोसा दूर रहो। कई घरां च की हुंदा कि आलस दे करके असीं कई समयां दा खाणा इक्को बारी बना लैंदे आ, जिहदे विच पोषक तत् नहीं रहिंदे, उह खाणा बासी हो जांदा आ, ते जदों असीं खाने असीं बीमार हो जांदे आ। साडे कई रोगां दा कारण तां बासी खाणा ही आ कि असीं आलस दे करके असीं कई समयां दी रोटी इक्को बारी बना लई, ते उह फिर पई रहिंदी आ जां तां फ्रिज च जां फिर किसे पासे, धूड़ मिट्टी पैंदी रहिंदी आ, ते उहदे विचों जिन्नी नवीनता हुंदी आ उह उड जांदी आ, खाने दा स्वाद भी मर जांदा, ते उह साडी सेहत लई भी चंगा नहीं हुंदा। इसे करके सानू अज कल वध रोग लगदे आ। आलस छड्डो, घर दी बेही रोटी नू आप खाओ,
उन्हू रूड़िया ते ना सुट्टो जा दरवेश नू जनौरा नू जा मंगण वाले नू दे दियो ते घर दे भांड्या नू रसोई नू हमेशा ही साफ रखो ते बार किते लंगर खाने आ अपने जूठे भांडे आप धोवो ते हो सके ता होर भी वादू धो के आवो जेकर तुसी इन्ने काम भी करदे रहे ता इंशाल्लाह ताला थोड़े घर दे विच बरकत ही बरकत रहेगी रिजक दी कमी नहीं आवेगी ते बेशुमार खुशियां थोड़े घर होणगियां।